और वहीं उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी दलों ने कमर कस ली है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देहरादून आ रहे हैं। पीएम मोदी करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, इसके साथ ही एक बड़ी रैली को भी संबोधित करेंगे। वहीं इस रैली को उत्तराखंड में बीजेपी का चुनावी शंखनाद माना जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करीब 20,000 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम 11 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिसमें देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे कॉरिडोर का शिलान्यास भी शामिल है। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ उत्तराखंड की जनता के लिए नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भी काफी फायदेमंद रहेगा। जी हाँ, ये एक्सप्रेसवे कॉरिडोर यूपी के सहारनपुर जिले से देहरादून आने वाले रास्ते पर एशिया का सबसे बड़ा वन्यजीव एलिवेटेड कॉरिडोर बनने जा रहा है। इसी के साथ ऐसी ही 5 और बड़ी योजनाओं का पीएम नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे। यही नहीं, इनमें पीएम 7 योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी जिन 5 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे उनमें सबसे पहला और बड़ा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है। ये जंक्शन से देहरादून तक 175 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे करीब 8600 करोड़ की लागत से तैयार होगा। हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, यमुनानगर, बागपत, मेरठ और बड़ौद से कनेक्टिविटी के लिए इसमें 7 प्रमुख इंटरचेंज होंगे। इसमें एशिया का सबसे बड़ा 12 किलोमीटर लंबा वन्यजीव एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। इसके बनने के बाद दिल्ली से देहरादून की यात्रा 6 घंटे से घटकर महज 2.5 घंटे हो जाएगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर 2082 करोड़ की लागत से 51 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट बनाया जाएगा। ये दिल्ली से हरिद्वार के बीच, बहादुराबाद और सहारनपुर के हलगोवा के बीच बनेगा। इसके बाद दूसरी योजना हरिद्वार रिंग रोड की है। ये गांव और कस्बों को हाईवे से जोड़ने का काम करेगी। ये रिंग रोड मनोहरपुर से कांगड़ी तक 15 किलोमीटर लंबी होगी, जिस पर 1602 करोड़ का खर्च होगा। वहीं लक्ष्मण झूला पुल के पास एक और पुल बनेगा। इसमें भार क्षमता घट जाने की वजह से आवागमन बंद हो रखा है। इसके पास ही 132.30 मीटर स्पान का 69 करोड़ की लागत से नया पुल बनाया जाएगा। इसी के अलावा 1695 करोड़ की लागत से 50 किलोमीटर लंबा मार्ग भी बनेगा। ये मार्ग देहरादून के पोंटा साहिब से शुरू होकर बल्लूपुर चौक तक बनेगा। इसमें 3 बड़े, 43 छोटे पुल, 1 फ्लाईओवर और 15 अंडरपास शामिल है। इससे हिमाचल से देहरादून की यात्रा काफी हद तक आसान हो जाएगी। इसके अलावा पीएम मोदी अन्य योजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे, जिसमें व्यासी जल विद्युत परियोजना शामिल है। 1777 करोड़ की 120 मेगावाट की ये जल विद्युत परियोजना तैयार है। 86 मीटर ऊंचे बांध वाली इस परियोजना से हर साल 353 मिलियन यूनिट अतिरिक्त हरित ऊर्जा का उत्पादन भी होगा। इससे बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा 257 करोड़ की लागत से ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के तहत देवप्रयाग से श्रीकोट तक 38 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण किया गया है, जिसका काम पूरा हो चुका है। ऑल वेदर रोड ब्रह्मपुरी से कोडियाला का भी लोकार्पण पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। 248 करोड़ की लागत से 33 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण और डक्ट निर्माण के काम तेजी से चलाए जा रहे हैं। ब्रह्मपुरी से कोडियाला महादेव चट्टी तक 2 लेन में चौड़ीकरण हो चुका है। 600 मीटर मैरीन ड्राइव का निर्माण भी हो चुका है। ऑल वेदर रोड लामबगड़ का भी लोकार्पण होना तय है। ऑल वेदर रोड के तहत साकड़ीधार, देवप्रयाग और श्रीनगर में तकरीबन 75.90 करोड़ रुपए की कीमत से स्थायी भूस्खलन वाले क्षेत्रों का पुनर्निर्माण किया गया। साकड़ीधार में 200 मीटर, देवप्रयाग में 200 मीटर और श्रीनगर में 700 मीटर मार्ग का पुनर्निर्माण किया गया।
फिलहाल सबकी निगाहें देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे कॉरिडोर पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विकास परियोजनाओं की सौगात देने के साथ ही उत्तराखंड की जनता को संबोधित भी करेंगे, लेकिन देखना ये होगा कि पीएम के इस दौरे का उत्तराखंड की बीजेपी सरकार को कितना फायदा मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो अजय पांडे, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे और अपडेट लेंगे क्या कुछ वहां पर हलचल चल रही है। अजय, जानकारी चाहेंगे, एक बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड वासियों को देने वाले हैं। सबसे पहले तो अपडेट, क्या हलचल वहां पर दिखाई दे रही है, कितनी तैयारियां वहां पर की गई है, जानकारी इसको लेकर। देखिए स्वाति, अब सभी लोग प्रधानमंत्री के आने का इंतजार कर रहे हैं और उनको सुनने के लिए धीरे धीरे लोग यहां आने शुरू हो गए हैं। और चूंकि करीब 1 बजे के बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होना है और 12:25 पर प्रधानमंत्री जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां से सभा स्थल पर आएंगे, तो उनको सुनने के लिए लोग अब धीरे धीरे आ रहे हैं। कभी भी काफी टाइम है उनके आने को लेकर, और जो बीजेपी ने तमाम तैयारियां की हैं, जिला प्रशासन ने तमाम तैयारियां की हैं और उन तैयारियों को अब मूर्त रूप दे दिया गया है और प्रधानमंत्री के आने का सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि लक्ष्य रखा गया है 1 लाख से अधिक लोगों को आने का, और जिस तरह से कुर्सियां लगाई गई हैं चारों तरफ, अब लोग आएंगे, धीरे धीरे आना उन्होंने शुरू कर दिया है। और मैं अपने साथी से कहूँगा कि थोड़ा सा वो दिखाने की कोशिश करें किस तरह से ये चारों तरफ कुर्सियां रखी गई है और लोग अब धीरे धीरे आ रहे हैं। बीजेपी के जो समर्थक हैं और प्रधानमंत्री को जो सुनने वाले लोग हैं, वो अब यहाँ धीरे धीरे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आज 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे और तमाम विकास कार्य जो है लंबे समय से पूरे हो चुके हैं उनका जब लोकार्पण करेंगे, वो के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखी जाएगी। क्योंकि ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत तमाम ऐसे कार्य हैं जो बिल्कुल अजय, और बाकी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी जुड़ूंगी और अपडेट लूंगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।